अभी बादशाह दो तीन एपिसोड से भाई साहब हनी बाई करते नजर आ रहे हैं, माफिया मुंडीर की बातें करते नजर आ रहे हैं। भाई ये बहुत रेयर होता है क्योंकि बादशाह तो आई थिंक मेरे हिसाब से जितने उनके इंटरव्यूज देखे हैं ही डजंट लाइक हनी सिंह, लेकिन भाई वो दो एपिसोड से ही कह रहे हैं कि उस वक्त हनी बाई हुआ करते थे, मैं और हनी बाई दिल्ली में गेड़िया लगाया करते थे। और इस चीज पर अब आया है हनी सिंह का रिएक्शन, क्योंकि अभी तक हनी सिंह भी चुप थे। आज के टाइम पर जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन रहे हैं सब पहले ग्रुप में थे, माफिया मुंडीर करके ग्रुप हुआ करता था, हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, लिल गोलू, इक्का, और भाई तबाही था ये ग्रुप। आपस में मन मुटाव हुए और धीरे धीरे ग्रुप हटता गया, छटता गया, और भाई सब अलग अलग अपना काम करने लग गए। इतने बड़े स्टार उस वक्त थे नहीं बाकी के लोग कि इनका इंटरव्यू आवे और पता चले कि क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ है। लेकिन बादशाह ने बाद में इस चीज को बता दिया था कि भाई गेटअप जमाने के टाइम पर उनके साथ धोखा हुआ, उसके बाद उन्होंने हनी सिंह से बात करनी बंद कर दी और लास्ट तक भाई बीफ चल रहा था दोनों का, हनी सिंह और बादशाह का। कभी बादशाह उनको कुछ बोल दे रहे थे तो कभी बोल दे रहे थे हनी सिंह कि भाई साहब नैनो के साथ कंपेयर मत करो प्लीज। लेकिन अभी बादशाह दो तीन एपिसोड से भाई साहब हनी बाई करते नजर आ रहे हैं, माफिया मुंडीर की बातें करते नजर आ रहे हैं। भाई ये बहुत रेयर होता है क्योंकि बादशाह तो आई थिंक मेरे हिसाब से जितने उनके इंटरव्यूज देखे हैं ही डजंट लाइक हनी सिंह, लेकिन भाई वो दो एपिसोड से ही कह रहे हैं कि उस वक्त हनी बाई हुआ करते थे, मैं और हनी बाई दिल्ली में गेड़िया लगाया करते थे। और इस चीज पर अब आया है हनी सिंह का रिएक्शन, क्योंकि अभी तक हनी सिंह भी चुप थे। उन्होंने ना तो कुछ एमटीवी हसल के बारे में लास्ट टाइम बोला जब इंटरव्यू के लिए आए थे, तो वहां पर भी वो चुप थे कि भाई मेकर्स का जो भी डिसीजन है सही ही होगा, क्योंकि भाई रफ्तार को निकाल कर बादशाह को लिया गया था तो भाई रिपोर्टर्स ने पकड़ लिया था उन्हें। बट दिस टाइम भाई उन्होंने अपने अंदर की भड़ास निकाल दी। रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आपको बादशाह भाई कह रहे हैं तो आपका इस पर क्या टेक है, तो भाई हनी ने काफी तगड़ा जवाब दिया कि भाई भाई हूं तो भाई कहेगा, बहन थोड़ी ना कहेगा। एंड भाई परिवार में दोस्ती में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, अच्छी बात है कि सारी चीजें खत्म हो जाए। ही इज एन आर्टिस्ट, आई एम एन आर्टिस्ट, बेस्ट ही होगा कि दोनों अपना बेस्ट जनता को सर्व करें, साथ में करें, अलग अलग करें, बस पब्लिक एंटरटेन होनी चाहिए। अगर बादशाह साथ में करना चाहते हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम, अगर मैं उनके साथ करना चाहता हूं तो आई डोंट थिंक सो बादशाह को भी कोई प्रॉब्लम होगी। इट मींस भाई भविष्य में एक तगड़ा कोलैब देख सकते हैं। बट मेरी तो दिली तमन्ना कह रहे पर माफिया मुंडीर वापस से आ जाए और एक गाना बनाए, इक्का पाजी, लिल गोलू, बादशाह, रफ्तार, हनी सिंह, ये पांच लोग ना तबाही मचा देंगे भाई म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर साथ आ गए तो। कमेंट करके बताएं कौन कौन चाहते हैं कि यार ये जोड़ी एक बार ना वापस से आ जाए, पांचों लोग फिर से तबाही मचाए। डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द। बाय बाय, कीप हसलिंग।